तो क्या जॉन सीना का सरप्राइज रिटर्न हमें रेसलमेनिया 38 में देखने को मिलने वाला है? अंडरटेकर क्या एक और मैच WWE में रेसल करेंगे? इसके अलावा गाइज एज की आपको बहुत जल्द एक हील फैक्शन WWE में देखने को मिलेगी। तो गाइज वीडियो में काफी अपडेट्स होंगे, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो गाइज सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आज के स्मैकडाउन के एपिसोड से, जहां पर हमें सबसे पहले देखने को मिलती है आंद्रे द जायंट मेमोरियल बैटल रॉयल। और गाइज यहां पर हमें एंडिंग में देखने को मिलते हैं फिन बैलर एंड मैडकैप मॉस, और सबको लग रहा था कि फिन बैलर इस मैच को जीतेंगे, लेकिन एंडिंग में मैडकैप मॉस एलिमिनेट कर देते हैं फिन बैलर को और एक शॉकिंग विक्ट्री मिलती है मैडकैप मॉस को और बन चुके इस साल के वो आंद्रे द जायंट मेमोरियल बैटल रॉयल के विनर। इसके अलावा गाइस हमें देखने को मिलता है टैग टीम में, जहां पर गए सबसे पहले ऑस्टिन थ्योरी के पीछे पड़ते हैं पैड मैकफी, लेकिन थ्योरी एक बार फिर से विंस मैकमैन के रूम में चले जाते हैं और ऑस्टिन थ्योरी यहां पर किक करके दरवाजे को खोलते हैं। हीरो की तरह उन्होंने एंट्री तो जरूर ली, लेकिन विंस मैकमैन ने कहा भाई तेरा मैच कैंसिल कर दूंगा अगर तू फिर से यहाँ दिखा, और पैड मैकफी जाकर कमेंट्री टेबल पर बैठ जाते हैं। और उसके बाद हमें देखने को मिलता है फिन बैलर शिंस्के नाकामुरा एंड्रिक बुक्स वर्सेस उसोज एंड ऑस्टिन थ्योरी के बीच टैग टीम मैच। और गाइस यहाँ पर काफी सरप्राइजिंग मुझे लगा, क्योंकि एक बार फिर से गाइस लगातार दूसरी बार ऑस्टिन थ्योरी ने पिन कर दिया फिन बैलर को, और इस मैच में फिन बैलर हार चुके हैं और मुझे फिन बैलर के लिए काफी बुरा लग रहा है, क्योंकि भाई बंदा US चैंपियन है, कोई इज्जत ही नहीं है भाई। रेसलमेनिया में भी फिन बैलर को मैच नहीं मिल रहा, जो कि काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है। इसके अलावा गाइज हम सीधा मेन इवेंट की बात करते हैं, जहां पर हमें देखने को मिलता है रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर का ज़बरदस्त ब्रॉल। ऐसा मैं कह सकता था लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं, क्योंकि मेन इवेंट में थे मैडकैप मॉस एंड हैप्पी कॉर्बिन, जो कि ड्रू मैकइंटायर पर जोक्स क्रैक करते हैं। मैकइंटायर गुस्से में बाहर आते हैं और दोनों को भगाते हैं, और उसके बाद वो टेबल को तलवार से डिस्ट्रॉय करते हैं और इस तरीके से स्मैकडाउन एंड होती है। मतलब कुछ समझ ही नहीं आया, जो सबसे बड़ा रेसलमेनिया का मैच है स्मैकडाउन की तरफ से और रॉ की तरफ से भी हम कह सकते हैं, क्योंकि दोनों चैंपियनशिप इन्वॉल्व हैं और स्मैकडाउन पर वो दोनों बड़े सुपरस्टार थे ही नहीं। मतलब मैं तो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हुआ, क्योंकि मैंने रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर को देखने के लिए स्मैकडाउन को ट्यून इन किया था, लेकिन यहाँ पर WWE ने सबका पोपट काट दिया है। लेकिन इसके अलावा गाइस हम अपनी अपडेट्स की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं द फिनोम दी अंडरटेकर के बारे में, जो कि फाइनली हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट हो चुके हैं। और अंडरटेकर ने काफ़ी ज़बरदस्त स्पीच भी दी, लेकिन स्पीच को एंड करने के बाद जब वो बाहर जा रहे थे रिंग के, लेकिन तभी वो अंदर आते हैं अपना कोट और पहनते हैं, और गाइस उसके बाद अंडरटेकर ने कहा नेवर से नेवर। और इसके बाद काफ़ी फैंस ये स्पेकुलेट करने लगे हैं कि अंडरटेकर एक बार फिर से हमें रेसलिंग रिंग में नजर आएंगे, क्योंकि अंडरटेकर ने रिसेंटली इंटरव्यू में भी कहा था कि वो शायद एक और मैच रेसल कर सकते हैं। तो क्या पता अंडरटेकर का हमें फ्यूचर में एक बार फिर से मैच देखने को मिल जाए, लेकिन गाइस फिलहाल के लिए अंडरटेकर बन चुके हैं हॉल ऑफ फेमर। नेक्स्ट स्टोरी की तरफ चलते हैं, और गाइस ये जुड़ी है रेटेड आर सुपरस्टार एज से। तो आप सब जानते हैं कुछ हफ्ते पहले एज का हमें हील टर्न देखने को मिला था अगेंस्ट AJ स्टाइल्स, और इन दोनों सुपरस्टार का रेसलमेनिया में मैच भी होने वाला है। लेकिन लगता है WWE कुछ बड़ा प्लान कर रही है एज के लिए, क्योंकि गाइस रिसेंटली अपडेट में ये बताया जा रहा है कि एज की आपको बहुत जल्द एक हील फैक्शन देखने को मिलेगी, और इस फैक्शन में डेमन प्रीस्ट भी हो सकते हैं। और गाइस मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ एज की न्यू फैक्शन को देखने के लिए। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपके हिसाब से कौन से वो सुपरस्टार हैं जो कि एज की इस फैक्शन में आ सकते हैं। अब हम गाइस बात करते हैं ऑस्टिन थ्योरी के बारे में। तो आप सब जानते हैं पिछले कुछ टाइम से विंस मैकमैन का काफ़ी हाथ है ऑस्टिन थ्योरी पर, और उनकी काफ़ी अच्छी बुकिंग भी हो रही है। लेकिन गाइस रिसेंटली बताया जा रहा है कि ऑस्टिन थ्योरी को विंस मैकमैन एज नेक्स्ट जॉन सीना देखते हैं, और विंस मैकमैन का ये मानना है कि ऑस्टिन थ्योरी उनकी कंपनी के नेक्स्ट बिग सुपरस्टार हो सकते हैं, और फ्यूचर के लिए विंस मैकमैन उन्हें ग्रूम कर रहे हैं, इसलिए विंस मैकमैन उनके काफ़ी सेगमेंट्स में भी इन्वॉल्व होते हैं। और हम कह सकते हैं गाइस फिलहाल के लिए ऑस्टिन थ्योरी का टाइम काफ़ी बढ़िया चल रहा है, लेकिन देखते हैं क्या फ्यूचर में भी विंस मैकमैन ऑस्टिन थ्योरी को क्या इसी तरीके से पुश करेंगे या फिर नहीं। अब गाइस हम सबसे बड़ी अपडेट की तरफ चलते हैं, और गाइस ये जुड़ी है जॉन सीना से। तो गाइस जॉन सीना पर काफ़ी बड़ी अपडेट आ रही है कि जॉन सीना आपको रेसलमेनिया 38 में शायद रिटर्न करते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि रिसेंटली अपडेट आई कि जॉन सीना की अपकमिंग मूवी फ्रीलांस की वो शूटिंग कोलंबिया में फिनिश कर चुके हैं, और एक दो हफ्ते पहले जॉन सीना अपने घर भी जा चुके हैं टैंपा में, यानी कि इसका मतलब जॉन सीना फिलहाल शायद फ्री हैं। और गाइज अगर कोई चांस है जॉन सीना के रिटर्न का, तो शायद हमें रेसलमेनिया में जॉन सीना देखने को मिल सकते हैं। हालांकि गाइज इसके चांसेस मैं अभी भी कहूँगा काफ़ी कम है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी उम्मीद जरूर जागी कि शायद हमें जॉन सीना रेसलमेनिया में सरप्राइज रिटर्न करते हुए नजर आए। और आपको शायद याद होगा कि रेसलमेनिया 35 के टाइम पर भी जॉन सीना का हमें सरप्राइज रिटर्न देखने को मिला था, तब भी ऐसी अपडेट्स आई की थी जॉन सीना रेसलमेनिया 35 में नहीं आएंगे, लेकिन एकदम लास्ट मोमेंट पर जॉन सीना का रिटर्न प्लान हुआ था। तो शायद हो सकता है इस साल भी हमें एक वैसा ही कुछ देखने को मिल जाए, हालांकि इसकी ज़्यादा उम्मीद नहीं है। लेकिन गाइज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपके हिसाब से जॉन सीना रेसलमेनिया 38 में हमें देखने को मिलेंगे या फिर नहीं। और गाइज बस आज की हमारी ये वीडियो यहीं तक थी, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो गाइज इस वीडियो को लाइक किए बिना तो कहीं मत जाना, और साथ ही साथ आप कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन, ताकि आपको हमारे चैनल पर ऐसे WWE से जुड़ी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने को मिलती रहें। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो।